आरती कर से। ひなた! ヒューガはこの葉にて最強。俺自身が江戸転生の死体ではなく生命体になる必要があるのだがな。人中力になるためにあんたが本当の意味で生き返るには、俺があんたに輪廻転生の術を命を捨ててするしかないからな。<笑>それでいい。なら次にどうするかお前が決めろ。 しかしチャクラを練る時間がかかる。それまで。サンキューネジ、潜入モードに慣れたってばよ。天才ばかりに頼ってらんねえ。まだ。お前が作戦のキーってことだ。近丸と犬の父親たちも。 तो हे गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कर करके बोल देना कि आपको किस वजह से पसंद नहीं आई ये वीडियो। मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा, ओके। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैं इस वीडियो को 5 महीने बाद डाल रहा हूँ, मतलब 5 महीने बहुत ज़्यादा होते, कम नहीं होते। सोचो, मेरे को इस बात का डर लग रहा है कि मेरे चैनल कहीं डेड ना हो गए हो, मतलब व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हिट करे 10K व्यूज, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट मैं लॉन्च करूंगा। फर्स्ट मैंने सोचा था कि इसको पूरी वीडियो बनाऊं, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मेरे को शुरू के 2 महीने तो लगभग लगभग इसको सीखने में लग गया, मतलब एनिमेशन को अच्छे से। इससे मैंने पहले जो एनिमेशन वाली वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा लो लेवल का एनिमेशन था, और ये मतलब देख सकते हो आप, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का एनिमेशन है उससे। तो मेरे को इस तरह के एनिमेशन सीखने में 2 महीने लग गए, और अभी भी मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। मतलब एनिमेशन में जैसे कि 2D, ये 2D है, 3D भी है, VFX वगैरह, उन सबको भी ट्राई करूँगा मैं। और आपको जो आगे की वीडियोस आएंगी, मतलब वीडियो मिलेंगी, वो कुछ अलग तरीके की होंगी। मतलब कि जैसे कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे एपिसोड्स या फिर टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, जैसे कि इब्बी स्पेंड की आपको वीडियो मिलेंगी, बट कुछ अलग तरीके से मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियो जो काफ़ी जल्दी आएगी यार, प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, मतलब शेयर जितना हो सके प्लीज़ उतना करना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगी है। मतलब मैं क्या बताऊँ, 5 महीने में से मैं लगभग 2 महीने तो इसे खाली में बैठा था, क्योंकि कहीं चला गया था, गाँव गया था रिसेंटली मैं, और 1 महीना मैंने शुरू किया, 1 महीने में मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था, दिमाग कुछ आया नहीं कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने सेकेंड मंथ से मैंने स्टार्ट किया इसको, तो मेरे को इस वीडियो को बनाने में लगभग 3 महीने लगे हैं पूरे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक पे है और काफ़ी जल्दी आएगी। आई होप आपको वो वाली वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट।